नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल PST क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वीडियो में BTC NM 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले, जो आज के डेट में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, BTC आयोग की तरफ से और पटना हाईकोर्ट की तरफ से BTC NM 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग जो भी अपडेट निकल के आई है, इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो BTC NM 10709 पोस्ट का फॉर्म भर और चाहते हैं ये वैकेंसी काउंसलिंग के आधार पर क्लियर हो, तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस ऐसी वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले जो 402 जो केस हुआ है, केस का स्टेटस हम आपको दिखाते हैं पटना हाईकोर्ट के ऑफिशियल साइट पर ले जाकर, और एक एक करके बताते हैं ये केस कौन किया और इस डेट में ये केस हुआ और इस केस से क्या प्रभाव पड़ेगा, इस केस से क्या ये वैकेंसी पर प्रभाव पड़ेगा, सारी जानकारी बताने वाले। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट और अहम बात, जो पटना हाईकोर्ट का आज जो कमेटी का बैठक था, मेंबर था, जो इस LPA पर डिसीजन लेगा, जो किसके पक्ष में हम फाइनल जजमेंट देंगे, तो उससे क्या अपडेट निकल के आई, सारी जानकारी इस वीडियो में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, पटना हाईकोर्ट के ऑफिशियल साइट पर आ गए हैं और सबसे पहले 402 जो केस हुआ है, केस स्टेटस हम आपको निकाल के दिखाते हैं, किसने केस किया है, कब किया है और इससे क्या फर्क पड़ेगा इस वैकेंसी पर। तो यहाँ पर चलिए स्टेप बाय स्टेप करके बताते हैं, आप भी कैसे चेक कर पाएंगे। तो इसमें आपको LPA सेलेक्ट कर लेना है, सबसे नीचे आना है और LPA सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर केस नंबर डालना है, जो कि 402 केस नंबर आपको भी पता होना चाहिए। चलिए उसके बाद ईयर यहाँ पे डाल देना है 2024। चलिए उसके बाद कैप्चा आपको इंटर करना है। और नीचे यहाँ पे देखिए गो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। कैप्चा आपको फिर से डालना है। HP 78, उसके बाद फिर N है। चलिए देखिए खुल रहा है। तो टोटल केस यहाँ पर, केस अब नंबर देखिए यहाँ पर लिख जाएगा, यहाँ पर एक हुआ है। यहाँ पर व्यू पर क्लिक करके इसके पूरे ओपन कर लेना है, जैसे ही ओपन कीजिएगा नीचे खुल के आ जाएगा। देखिए चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए फाइलिंग डेट कब हुआ है, 19/4 को हुआ है। रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, 20/4/2024। चलिए एक बार हम आपको अच्छा से बता देते हैं, डिवीजन बैच है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए पेटिशनर और एडवोकेट का नाम देखिए, प्रीति कुमारी है। उसके बाद एडवोकेट में देखिए गौरव कुमार वर्मा है, उसके बाद पिंटू कुमार है, पटेल है, फिर यहाँ पर देख लीजिए शिवनंदन भारती है। उसके बाद देखिए पेटिशनर कितना है, स्टूडेंट का ही नाम है, देखिए प्रिया कुमारी, सीमा कुमारी, पल्लवी कुमारी, ऐसे ही अगर आप नीचे चलते हैं तो टोटल आपको जो है यहाँ पर देख लीजिए 27 लोग हैं जो पेटिशनर में। उसके बाद नीचे चलते हैं और किस पे केस किया गया वो भी देखिए, पहला तो 2 स्टेट ऑफ बिहार पर किया गया है, उसके बाद 2 डायरेक्टर जो हेल्थ विभाग के हैं, स्वास्थ्य विभाग के, उसके बाद बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन इस पर किया गया है, उसके बाद बिहार टेक्निकल सर्विस जो BTC के चेयरमैन है, BTC के जो सेक्रेटरीज है इस पर किया गया है। उसके बाद देखिए हमारे दीदी पर भी किया गया, अर्चना दी है, पिंकी दी है, उषा दी है और बीना दी, इस सब पर भी केस किया गया। तो टोटल देख लीजिए यहाँ पर 9 है, ठीक है। एयर इस एक्सपोनेंट में है इतना, 9 मतलब विपक्ष में इतना है जिस पर केस किया गया, और जो केस किया है टोटल 27 लोग हैं, ऊपर में हम आपको बता दिए हैं। चलिए ऊपर भी देख लीजिए, ये भी हम आपको बता दिए हैं कौन किया है। तो देखिए प्रीति कुमारी के नाम से केस हुआ है, हर चीज़ देख लिए। ऐसे तो होगा कुछ नहीं, इससे पहले भी एक डिफेक्टिव केस हुआ था, उसमें भी कुछ नहीं हुआ था, आपको भी पता होना चाहिए। और ये देखिए जो है पटना हाईकोर्ट के खिलाफ जो है केस किए हैं, आपको भी पता होना चाहिए। जब केस
हर चीज़ हो गया है, पट्टा हाई कोर्ट सुरक्षित रख लिया है, रिजर्व रख लिया है, उसके एवज में जाके जो है लोग केस किया है, इस पर तो देखिएगा पेनल्टी लगेगा ही लगेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले ही डिफेक्टिव केस हुआ जिससे कोई केस पर प्रभाव, केस करने के बाद जो वैकेंसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। अगर ऐसा नहीं रहता तो आपको भी पता होना चाहिए, जो सरकार तो और भी LPA फाइल कर सकते थे, तो इसीलिए इस पर देखिएगा पेनल्टी लगेगा ही लगेगा। तो चलिए आगे बात करते हैं, वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लिए 402 केस का हम आपको केस स्टेटस निकाल के दिखा दिए, किस डेट में आपको केस रजिस्टर हुआ, किसने केस किया है, हर चीज़ बता दिए, इसका जो है वकील कौन है, समझे कि नहीं। इस केस से कुछ होगा नहीं, समझे कि नहीं, थोड़ा भी कुछ नहीं होगा। जहाँ तक पटना हाईकोर्ट फाइनल जजमेंट देगा तो देखिएगा इस पर पेनल्टी ही लगेगा। अगर ऐसा रहता है तो आपको पता है जो सरकार बैठे रहते हैं, स्वास्थ्य विभाग बैठे रहते हैं, आयोग बैठे रहते हैं, 5-10 केस और भी हो जाते हैं। तो ये पटना हाईकोर्ट के जो है कानून हाथ में नहीं लेना चाहते सरकार, अगर खुद आयोग और विभाग खुद अगर कानून हाथ में ले लेते तब तो हो गया, तो पटना हाईकोर्ट का कोई जो है महत्व ही नहीं रह जाता। और ये देखिए जब केस रिजर्व हो जाने के बाद ये केस किए तो इस पर देखिएगा पेनल्टी लगेगा ही लगेगा। चलिए अब इम्पोर्टेंट और अहम बात कर लेते हैं, जो हम आपको बताए थे, जिसके लिए अभी हम वीडियो बना रहे हैं, जो आज पटना हाईकोर्ट के जो है कमेटी का बैठक था, जो इस जो LPA केस है जो फाइनल जजमेंट देगा इस पर आज बहस हुआ है हर चीज, और पॉजिटिव बात निकल के आया, पॉजिटिव बात समझ रहे हैं ना, स्माइल से ही पता चलता है पूरा पॉजिटिव बात निकल के आया। जैसे ही पटना हाईकोर्ट फाइनल जजमेंट जारी करेगा आप लोग देख लीजिएगा, जो पप्पू भाई जो अभी तक बताए क्या सही हुआ है या नहीं हुआ, समझे कि नहीं, हमारी टीम जो इतना मेहनत की है क्या उसका फल आया है या नहीं आया, जैसे ही फाइनल जजमेंट आएगा आप लोग देख लीजिए, समझे कि नहीं। तो बोल दिए 23, 24, 25 इस डेट में कभी भी आपको फाइनल जजमेंट जारी हो सकती है, क्योंकि आज फाइनल क्लियर हो गया। आज पटना हाईकोर्ट का जो कमेटी निर्णय ले लिया है जजमेंट किसके हक में हम दे रहे हैं, समझे कि नहीं। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, परेशान नहीं होना है, नाइट में आएंगे हम लाइव 10 PM में, तो डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करने वाले। अभी यही अपडेट देने के लिए हम वीडियो बनाए, क्योंकि समय नहीं है, घर में आपको भी पता है कितना कार्य है, और फिर भी यही अपडेट देने के लिए हम आपको आए। तो हर चीज़ हम आपको बता दिए, केस स्टेटस भी हम आपको चेक करके बता दिए, जो 402 अभी नया केस हुआ है इससे क्या हो सकता है ये भी हम आपको बता दिए, और जो खुशखबरी लेके आए वो भी हम आपको खुशखबरी बता चुके हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर शेयर कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। जैसे ही 10 बजे लाइव आएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और अपने भाई के टारगेट को अचीव कीजिए, क्योंकि अपना टाइम आ चुका है, समझे कि नहीं। इतना दिन आप लोग कष्ट किए तो अब वो अपना टाइम आ चुका है, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। नाइट में 10 PM में आते थे, डिटेल्स में हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं। थैंक यू।